बिसमिल्ल रन रही असल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूं। अक्सर महिलाएं मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलती हैं कि मैम हम आपकी सारे टिप फॉलो करते हैं ओवुलेशन भी होता है सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं लेकिन एट दी एंड हमारे पीरियड आ जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका इम्प्लांटेशन क्यों फेल होता है आपकी बॉडी में कौन सा वो एक हार्मोन है जो आपकी इम्प्लांटेशन को फेल कर देता है अगर उसकी कमी होती है इसके क्या आपको सिम्टम नजर आ सकते हैं फ्रेंड अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि बहुत सी महिलाएं आजकल इन्फर्टिलिटी फेस कर रही हैं महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आई वाई, आई आई वी एफ करवाने के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही लेकिन बहुत सी ऐसी माइनर माइनर चीजें होती है फ्रेंड उसके ऊपर जो है आप ध्यान नहीं देते हैं जिस कारण से ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होते हुए भी नहीं होती है तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी नॉलेज के ऊपर गाइडेंस देने वाली हूं कि अगर आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है आपने सारे टिप फॉलो करी ओवलेशन भी आपका हो गया फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी में मे भी ये एक हारमोन कम हो सकता है इसके ऐसे सिम हो सकते हैं और इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी तो चलिए फ्रेंड आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लो प्रोजेस्टॉन के बारे में बात करने वाले हैं जितनी भी महिलाएं गर्भ धारण करने के लिए ट्राई कर रही हैं सक्सेसफुली उनका ओबोलेशन भी होता है और वो सारे टिप भी अच्छी तरीके से फॉलो करती हैं लेकिन एट दी एंड उनके पीरियड आ जाते हैं और उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है बहुत सी महिलाओं का आई वाई आई वी एफ ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है क्योंकि सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन नहीं होता तो ऐसी महिलाओं में हाई चांसेस होते हैं लो प्रोजेस्टॉन होने के लो प्रोजेस्टॉन का मतलब क्या है फ्रेंड एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टॉन अगर इसकी कमी होती है आपकी बॉडी में तो आपका जो भ्रूण तैयार होता है वो गर्भाशय की लाइनिंग में आके नहीं चिपक पाता और वो फेल हो जाता है और आपको पीरियड आ जाते हैं या फिर अगर आपको कंसीव हो भी गया तो आपको मिसकैरेज हो जाएगा जितनी भी महिलाओं को रिक्रेट अबॉर्शन की या मिसकैरेज की हिस्ट्री रह चुकी है तो ऐसी महिलाओं में भी लो प्रोजेस्ट्रॉन की कमी के कारण ही ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्रोजेस्टॉन आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में होना जरूरी है तभी आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी और अगर कंसीव हो भी जाता है तो नाइन मंथ तक उसको अच्छी तरीके से स्टे करने के लिए भी प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको बताती हूं कि अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टॉन की कमी होगी तो आपको क्या सिम्टम नजर आते हैं सबसे पहला जो सिम्टम है वो है शॉर्ट पीरियड साइकिल आपको पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आएंगे या तो 15 दिन में ही पीरियड आ जाएंगे 20 दिन में ही आ जाएंगे 21 दिन में ही आ जाएंगे तो इसको हम शॉर्ट पीरियड साइकिल लिंक कहते हैं इसमें फ्रेंड क्या होता है बहुत सी महिलाओं को पीसीओडी डी के कारण जो है ना एक महीने में दो बार पीरियड आते हैं तो ये पीसीओडी पीसीओ महिलाओं को होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस तो प्रोजेस्टोन की कमी की वजह से भी आपको जो पीरियड है वो बहुत जल्दी जल्दी आते हैं या शॉर्ट साइकिल हो जाता है तो ये सबसे पहला सिम्टम है फ्रेंड लो प्रोजेस्टोन होने का दूसरा सिम्टम है स्पॉटिंग ब्राउन कलर की आना बहुत सी महिलाओं को आपने देखा होगा पहले दो तीन दिन स्पॉटिंग होके पीरियड आते, आते हैं तो ऐसी पीरियड भी आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबेलेंस होंगे तो वैसे भी आपको कंसीव नहीं होगा तो इसी में यह भी एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टॉन ठीक है जिन महिलाओं को हार्मोनल इंबेलेंस का प्रॉब्लम होता है मेनली पीसीओडी और पीसीओ महिलाओं में तो ऐसी महिलाओं में पीरियड ऐसे ही आते हैं स्पॉटिंग होके आते हैं फिर बाद में खुल के आते हैं ठीक है बहुत सी पीसीओडी पीसी महिलाएं ये वीडियो देख रही होगी अगर हां तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो फ्रेंड ऐसी महिलाओं में प्रोजेस्टॉन की डेफिशिएंसी पाई जाती है तीसरा लक्षण है हैवी ब्लीडिंग जिन महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है मेडिसिन लेनी पड़ती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो ऐसी महिलाओं को भी प्रोजेस्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो सकती है फ्रेंड जिस कारण से उनके पीरियड भी बराबर से नहीं आते हैं उनके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं साथ ही में इनका इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ लो प्रोजेस्ट्रॉन चौथा लक्षण है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन जब आपके पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डेज तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको डेफिशिएंसी है प्रोजिस्टॉन की अब हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टॉन हार्मोन ही क्यों जरूरी है, प्रेगनेंसी करने के लिए। जब आपको हो जाता है तो आपकी बॉडी में होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद में पूरे नाइन मंथ तक ये प्रोजेस्टॉन हार्मोन आपके साथ में रहता है तो प्रोजेस्टोन हार्मोन अगर मैं बोलूँ तो मस्ट हार्मोन है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी और थ्रू आउट नाइन मंथ ये हार्मोन आपके साथ में रहता है तो प्रोजेस्टोन हार्मोन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इसमें कमी हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी इंप्लांटेशन फेल हो जाएगा और फिर कंसीव होकर मिसकैरेज भी हो सकता है अब फ्रेंड हम बात करते हैं जिन महिलाओं को लो प्रोजेस्टॉन की प्रॉब्लम है तो वो अपनी डाइट में कौन सी चीजें इंक्लूड करके नेचुरल वे में प्रोजेस्टोन ले सकती हैं सबसे पहले तो आपको हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जैसे अवोकाडो हो गया ऑलिव ऑयल हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए सीट्रस फ्रूट हो गए जैसे कि खट्टे फल हो गए और फ्रेंड आपको जो है सनफ्लावर सीड भी इंक्लूड करना है और सेसमे सीड को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इससे ही आपका प्रोजेस्टो नेचुरल तरीके से हाई होगा इसलिए फ्रेंड मैंने एक वीडियो भी बनाया है सीड साइकिलिंग का जहां पे मैंने आपको ये बताया है कि स्टार्टिंग के 15 डेज में फ्लैक्स सीड और पंपिन सीड लेनी है और लास्ट के 15 डेज में सनफ्लावर सीड और सी सीड लेनी है ताकि आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ सके और आप सक्सेसफुली कंसीव कर सके तो ये पैतरा भी आप जरूर आजमाइए अपनी डाइट को अच्छा रखिए और जो जो यहाँ पे मैंने फूड आइटम बताया है उसको इंक्लूड कीजिए क्योंकि सीट्रस फ्रूट ऐड करने से आपको विटामिन ई और सी भरपूर मात्रा में मिलता है जो प्रोजेस्ट्रॉन को हाई करने में हेल्प करता है अब फ्रेंड हम सप्लीमेंट की बात करते हैं अगर आप प्रोजेस्ट्रॉन को सप्लीमेंट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप लोग विटामिन सी का सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन डी थ्री का सप्लीमेंट ले सकते हैं बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट ले सकते हैं मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं और वीटेक्स चास्बेरी का भी सप्लीमेंट ले सकते हैं जिन महिलाओं को रिकरड मिसकैरेज की प्रॉब्लम होती है या इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो आप लोग ये सप्लीमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में ताकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन हाई हो सके और आपको नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंसी कंसीव हो सके फ्रेंड अगर आप ये सारे सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो वीटेक्स का चार्सबेरी सप्लीमेंट तो जरूर लेना क्योंकि इससे आपकी एग क्वालिटी भी अच्छी होती है इम्प्लांटेशन को ये इन्हांस करता है साथ ही में अगर आपको कंसीव हो जाता है तो मिसकैरेज के चांसेस को ये कम कर देता है तो वीटेक्स के चार्सबेरी सप्लीमेंट को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है फ्रेंड इसके ऊपर बहुत ही जल्दी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं इसलिए आप लोग हीना हेल्थ के साथ में बने रहिए और भी इनफर्टिलिटी सीरीज के साथ आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन के सारी चीजें बताई हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अपने ओवलेशन डेज को ट्रैक करने के लिए हीना हेल्थ एप्लीकेशन आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं थ्रू टेलीफोनिक कंसल्टेशन तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हीना फरीदी जीरो ट्वेंटी सिक्स एट द रेट जी मेल मेल कर सकते हैं आई वॉन्ट कंसल्टेशन आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी फ्रेंड ये एक पेड सर्विस है इसलिए इस ईमेल आईडी पे डी पर कॉन्टैक्ट करने से पहले इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान दीजिए तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़